आज दिनांक 23/8/2018 को ग्राम कोरैया में नीम के 10 पेड़ लगाए गए। इन पेड़ों को लगाते समय यहां के प्रधान जी श्रीमान वीर बहादुर सिंह जी से मैं मिला, उनसे वार्ता की कि आपके ग्राम सभा में हम नीम के पेड़ लगाना चाहते हैं। आप द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम आपके साथ रहेंगे और पेड़ों को लगवाएंगे। मैं श्रीमान वीर बहादुर सिंह से निवेदन करना चाहेंगे कि आपके ग्राम सभा में नीम के 10 पेड़ लगाए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी, जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ अधिवक्ता का कार्य कर रहे हैं। इनसे हमारी वार्ता हुई तो नीम के पेड़ को लेकर चर्चा हुई, तो हमने कहा आप हमारी ग्राम सभा को आइए, हमारे यहाँ पे पेड़ लगाइए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े भाई हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ पे पेड़ों को जो है वृक्षारोपण किया गया। वैसे तो हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन कुछ पौधे जो है हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं, जैसे कि नीम। नीम एक ऐसा वृक्ष है जो औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और इससे कई रोगों को जो है निवारण किया जा सकता है। इसीलिए हमने जो है अपनी ग्राम पंचायत में नीमों के पेड़ों का वृक्षारोपण किया और हमारे बड़े भाई सभी बुजुर्गगणों ने सहयोग किया और हमारे युवा साथी जो लोग हैं सभी लोग इस कार्य में बराबर के हिस्सेदार हुए हैं। इनका मैं अपने ग्राम पंचायत में बहुत ही आभार और इतने हृदय से इतने प्रकट करता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद। इस मौके पर श्रीमान सुखविंदर सिंह जो आप गोला से आए हुए हैं, श्रीमान विनोद कुमार तिवारी जी जो आप गोला से आए हुए हैं, श्रीमान आनंद प्रकाश जी जो आप ग्राम सौखिया से आए हुए हैं, श्रीमान सहजेंद्र दीक्षित अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी आप गोला से आए हुए हैं, श्रीमान मकरन सिंह एडवोकेट जिला अध्यक्ष एनसीपी जो आप गोला से आए हुए हैं, श्रीमान राजीव पटेल जिलाध्यक्ष अपना दल लखीमपुर खीरी, श्रीमान कामता प्रसाद जी इन्हीं के परिसर में आज हम लोग ये नीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, श्रीमान भैरव प्रसाद द्विवेदी जी जो आप गोला से आए हुए हैं, श्रीमान सतीश वर्मा जी, श्रीमान श्वेत कुमार, श्रीमान वीरू अग्निहोत्री जी, श्रीमान प्रीति राठौर प्रधान अध्यापक कुरैया, सुहावनी वर्मा सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कुरैया, पूनम देवी प्राथमिक विद्यालय कुरैया, श्रीमान राजीव भारती जो गांधीनगर से आप आए हुए हैं, आप सभी को धन्यवाद अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप आज कुरैया में वृक्षारोपण में आप शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमान सुखविंदर सिंह से निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी कुछ नीम के बारे में बताएं। नमस्कार। वृक्ष तो सभी लाभदायक हैं, मगर नीम का पेड़ बहुत ही उपयोगी है, धन्यवाद। श्रीमान आनंद प्रकाश जी, धन्यवाद। पूजनीय गुरु जी, आपने नीम का पेड़ ये मुहिम पूरे जिले में चलाई है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पेड़ की रक्षा सुरक्षा होती रहे ये भी प्राण से सहयोग चाहता हूँ। श्रीमान सहजेंद्र दीक्षित अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी कुछ बताएं। धन्यवाद। मेरे अनुज राजेंद्र अग्निहोत्री जी, हमारे पूर्वज और पुराने समय में वृक्षों की पूजा होती थी, उसका आशय यही था कि प्रकृति का संतुलन वृक्षों से होता है और नीम और पीपल वृक्षों में सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। और हमारे अनुज राजेंद्र अग्निहोत्री ने जो नीम लगाओ अभियान कार्यक्रम किया है और आज ग्राम सभा कुरैया में हुआ है, मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। श्रीमान राजीव पटेल जिलाध्यक्ष अपना दल। धन्यवाद अग्निहोत्री जी, ये जो नीम का पेड़ लगाने की मुहिम हमारे बड़े भाई अग्निहोत्री जी ने शुरू की, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। नीम के पेड़ से, नीम की पत्ती से, नीम की डाली से 220 प्रकार की मर्जों का इलाज किया जाता है, ये हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का काम करता है।
ये जो पेड़ लगाए गए ये हमारे सबके लिए लाभदायी और हितकारी होंगे। इसी साथ धन्यवाद अग्निहोत्री जी। श्रीमान विनोद कुमार तिवारी जी। धन्यवाद गुरु जी, जो पेड़ लगाए वाला कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा है। और श्रीमान मकरंद सिंह एडवोकेट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजेंद्र अग्निहोत्री जी का। इन्होंने पूरे जनपद लखीमपुर खीरी में 1000 नीम के पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से लगभग 400 पेड़ लगाए जा चुके हैं भिन्न भिन्न जगहों पे। इन पेड़ों को लगाने के बाद एक टीम का गठन किया गया है, जहां पे पेड़ खराब हो रहे हैं उन पेड़ों को पुनः लगाया जा रहा है। नीम एक ऐसा औषधीय वृक्ष है जिस वृक्ष में जड़ से लेकर फल फूल तना पत्ती आदि सभी से रोगों का इलाज होता है। धन्यवाद। वृक्ष मानव जाति व जीव जंतु के लिए वरदान साबित है। मेरा सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, हो सके तो नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। आज आप सभी लोग ग्राम कोरैया में वृक्षारोपण में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी इसी तरीके से आपसे आशा रहेगी कि इस तरीके के कार्यक्रम में आप सभी लोग शामिल रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।